चमोली जनपद के जोशीमठ विकास खंड का पगेनो गांव पिछले 3 माह से कुदरती आफत के बीच में फंसा हुआ है। यहां के 124 परिवारों का गांव अब धीरे धीरे जमींदोज होने की कगार पर है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले यहां पर तेजी से भूस्खलन का दौर शुरू हुआ और अभी तक 10 मकान को काल के गाल में समा चुके हैं। पगनों में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते गांव के ऊपर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होता रहता है और जमीन खिसकते जा रही है। अभी तक 300 मीटर से नीचे यह जमीन खिसक चुकी है और 10 मकान को अपनी आगोश में ले चुकी है। वहीं 60 परिवारों को अभी भी खतरा बना हुआ है। जोशीमठ से अजय कुमार की रिपोर्ट। हम तो उस दिन पता नहीं किसने बचा दिया हमको, नहीं तो हम भी चले गए थे। उस दिन सवेरे सो रखे थे हम, तो होना क्या, तो बूढ़े बूढ़े हैं यहाँ पर। इसी पे रहते हो? ना ना, गुजर रहते हम किराए पर। अरे वहाँ से भी हमने सामान उठा दिया, क्योंकि वहाँ से भी माल मार रहा है। कब छोड़ा ये घर? ये तो जिस दिन वो बाढ़ आई उसी दिन से छोड़ी हमने। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? हम दोनों जने रहते थे। बच्चे? बच्चे बजा रहे वो पत्थर तोड़ा, बच्चों को पाला वो। पर हम दोनों जो नहीं, वो आँख भी नहीं देखते, कान भी नहीं सुनते है। इतने बुढ़िया हो रखे, 17 साल का आदमी मैं भी हो गया हूँ, क्या करें। अभी तक मुआवजा मिला है? टीन मिली? ना ना, कुछ ना, कुछ नहीं मिले। जैसे ये मार हुए, ये 5,000 तक मिले मुझे, ये मर में बोल रहा हूँ। अन्य बगाए कुछ ना, ना तो टीन मिला ना कुछ मिला।